फ्रेंड्स वेलकम टू दिस वीडियो। और जैसा कि आप सभी लोगों को अभी तक पता चल गया होगा, और नहीं पता चल गया है तो जान लीजिए एसएससी सीजीएल 2018 का रिजल्ट, जो कि बहुत ही सुबह से आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे, और 4 जून से 13 जून तक जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था उसका टीयर 1 का रिजल्ट आ गया है। तो ये काफी अच्छी बात है हमारे लिए भी और एसएससी के लिए भी और सारे एस्पायरेंट्स के लिए कि सीजीएल टीयर 1 का रिजल्ट एकदम समय से आ गया है। एसएससी ने प्रॉमिस किया था कि वो 20 अगस्त को रिजल्ट दे देंगे और उन्होंने 20 अगस्त को रिजल्ट दे दिया है। तो 3 कट ऑफ टोटल निकली है। लिस्ट 1 की ऑफ आपकी ये है जो आपके सामने स्क्रीन पे है। लिस्ट 1 वो पेपर है, लिस्ट 1 में वो बच्चे हैं जो लोग फाइनेंस एंड अकाउंट्स, यानी कि जो डबल एओ का आपका पेपर होता है उसके लिए जो लोग क्वालिफाई किए हैं वो, यानी कि जो डबल एओ के लिए क्वालिफाई किया है, इसका मतलब ये पेपर 1 के लिए भी क्वालिफाई करे हैं, पेपर 2 के लिए भी और पेपर 4 के लिए भी, यानी कि ये लोग डबल एओ का पेपर दे पाएंगे। इसकी कट ऑफ बहुत ही हाई गई है, 170 मार्क्स। मतलब दिस इज अनबिलीवेबल, इट कान बी बिलीव, नहीं माना जा सकता, बट यू विल हैव टू बिलीव बिकॉज एसएससी ने ये जारी कर दी है। 170 नंबर यूआर की कट ऑफ गई है फॉर डबल एओ की पोस्ट, यानी कि डबल एओ की पोस्ट की जो कट ऑफ है इट्स रियली एन आई ओपनिंग, और ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए एक मुश्किल सवाल हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स यानी कि जेएसओ के पेपर की बात करें, तो जेएसओ के पेपर की कट ऑफ यानी लिस्ट 2 जो है वो आपकी जेएसओ के पेपर जो लोग बच्चे देंगे, यानी पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 जो लोग बच्चे देंगे वो लोग इसमें आते हैं, और इसकी कट ऑफ गई है 165.96। मतलब मुझे लग रहा है अगली साल डबल एओ की कट ऑफ 190 जाने वाली है और स्टैट्स की कट ऑफ 185, क्योंकि ये दोनों पोस्ट की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जा रही है और हर साल इसमें अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है। रीजन ये है क्योंकि ये दोनों ही पोस्ट को बच्चे लेते नहीं है। तीसरी जो कट ऑफ जिसके लिए आप सभी लोग इंतजार करते हैं वो है आपका वो है आप सभी का डबल एओ का पोस्ट, यानी कि वो है आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 जो लोग देंगे उनके लिए है। तो यानी कि इसमें आपका आता है आपका यूआर की जो कट ऑफ गई है वो गई है 137.07, यानी कि एग्जैक्टली सिमिलर टू सीजीएल 2016। सीजीएल 2016 में भी कट ऑफ 137 के कुछ आसपास ही गई थी जिस साल मैंने एग्जाम को निकाला था, तो 137 के आसपास एग्जाम की कट ऑफ गई है। इसका मतलब कट ऑफ काफी ज्यादा हाई गई हुई है, ठीक है, इसका मतलब कट ऑफ काफी हाई है क्योंकि इतनी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। बट हाँ, यहां पर ये थोड़ी सी कॉशन वाली बात होगी, देखो हो सकता है कट ऑफ 137 गई हो। मैंने भी कहा था कि 125 टू 135 अगर आपका स्कोर है तो ये आपका जा सकता है। मैंने आपको जब एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाया था तो मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि 135 तक आपकी नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ जाएगी, मैंने आप सभी से ये बात कही थी। तो आप देख सकते हैं 137.07 के आसपास कट ऑफ गई है, ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है। तो यहां पर ये सवाल बनता है कि हो सकता है आपके नंबर इससे कम हो फिर भी आपने एग्जाम निकाला हो। तो अगर आपका आंसर की में स्कोर इससे कम आ रहा था फिर भी आंसर एग्जाम का अपना रिजल्ट जरूर चेक करिए, क्योंकि हो सकता है रिजल्ट में आपका सिलेक्शन हो गया क्योंकि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं। और एक कारण जो ये इतना का ज्यादा कट ऑफ जाने का एक रीजन हो सकता है आपका नॉर्मलाइजेशन। तो ओबीसी की कट ऑफ 131.18 है जो कि एक्सपेक्टेड था। अगर आप नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे थे बार बार कि नॉर्मलाइज होगा तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट आप सभी को दिख रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये फिलहाल आपकी कट ऑफ लिस्ट है, आप बाकी का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अगर आप एसएससी की वेबसाइट पर नहीं चेक कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल पे मेरे चले जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए @amantrivedi, आप वहां से मेरा चैनल सर्च कर पाएंगे और वहां पर मैंने तीनों लिस्ट अपलोड कर दी है, तो आप अपना रिजल्ट वहां से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पेज को जरूर से लाइक कर दीजिए, क्योंकि फेसबुक पेज पर मैं आपको डेली इन्फॉर्मेशन और डेली अपडेट्स देता रहता हूं हर चीज के, तो आप वहां से कर सकते हैं। और वीडियो की पीडीएफ या किसी भी तरीके की पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और डेली असाइनमेंट मैं आपको देता हूं amantrivedi.com पर, तो आप amantrivedi.com पर मेरा डेली असाइनमेंट भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर हमारी क्लासेस मुझे अनअकैडमी प्लस पे फॉलो करना चाहते हैं या हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरे नए कोर्सेज हैं। अगर आप सीजीएल 2019 की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक्सटेंसिव बैच कोर्स फॉर एसएससी सीजीएल प्री एंड मेंस 2019 को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिस कोर्स ऑन ज्योमेट्री थ्रू 200+ MCQs ये आज ही शुरू हुआ है तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। प्लस पर जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए, उसके बाद 12 मंथ का ऑप्शन होगा या 5,000 रुपए की कॉस्ट है। कंटिन्यू करेंगे, आप मेरा रेफरल कोड डालेंगे दैट इज अमन त्रिवेदी और अपने क्रेडिट्स को अप्लाई करेंगे। इन दोनों को अप्लाई करने के बाद आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये जो कॉस्ट 5,000 दिख रही है ये 4,000 के आसपास बैठती है, और 4,000 रुपए में आपको
पूरी तैयारी का मौका मिलता है एसएससी सीजीएल के विद टॉप फैकल्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा रिजल्ट आ गया है तो अपना रिजल्ट जाकर चेक करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपने ये एग्जाम क्लियर किया या नहीं किया। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि डिड यू मेक इट थ्रू और नॉट। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वेरी गुड डे एंड कीप फॉलोइंग। रोज सुबह हमारा एक वीडियो आता है जिसमें हम द हिंदू वोकैबुलरी की बात करते हैं, तो उसको जरूर देखते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे हेड।